हे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गोयल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बॉडी पॉस्चर स्पेशलिस्ट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है टेल बोन पेन, यानी आपके स्पाइन के सबसे निचले हिस्से में अगर आपको किसी तरीके का पेन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मेडिकल की भाषा में इसको कॉक्सिगोडाइनिया बोला जाता है, यानी कॉकेक्स हमारे स्पाइन का सबसे नीचे का वो हिस्सा है जो कि हमारे बैठने उठने में हमारी हेल्प करता है और हमें सपोर्ट प्रदान करता है। किसी भी तरीके से जब हम बैठी हुई पोजीशन के अंदर गिर जाते हैं या फिर एक ही पोजीशन में किसी सख्त जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठते हैं तो जनरली इस तरीके के पेन डेवलप हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर अगर आपके बोन्स में किसी भी तरीके की एबनॉर्मेलिटी है या फिर मुड़ाव वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है तो भी आपको इस तरीके के पेन्स हो सकते हैं। जनरली ये पेन जो हैं 3 से 4 महीने तक भी चलते हैं या फिर उससे लंबे भी चल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका काम करने का तरीका कैसा है या फिर आपका ऑक्यूपेशन किस तरीके का है। अगर आपका ऑक्यूपेशन कुछ इस तरीके का है जिसमें आपको एक सख्त जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठना पड़ता है तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं या फिर ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चलती है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे आप कर सकते हैं? जनरली अगर आपको कोई चोट लगी है या कोई ट्रॉमा हुआ है तो वहाँ पर एक एक्सरे हमारी हेल्प कर सकता है। एक्सरे से हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर किसी तरीके का कोई फ्रैक्चर है या नहीं है, लेकिन अगर फ्रैक्चर है भी तो वहाँ पर चूँकि प्लास्टर नहीं लग सकता वहाँ पर भी हमको बेड रेस्ट ही कराना पड़ता है। इसके अलावा एक अलग तरीके की थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं सिड्स बाथ। अभी सिड्स बाथ क्या है? सिड्स बाथ है कि आपको बाथरूम के अंदर एक टब के अंदर एक चौड़ा सा अगर आप एक टब लें उसके अंदर आपको गर्म पानी भरना है और उस टब के अंदर आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक बैठना है जिससे उस गर्म पानी की जो नमी है आपके जो इंजर्ड पार्ट है वहाँ तक पहुँचे। इस प्रक्रिया को लगभग आपने दिन में 2 से 4 बार करना है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप इसमें पूरी तरीके से सावधानियाँ बरतते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से सिकाई करते हैं तो जनरली 15 से 20 दिन के अंदर इसमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई बार दर्द की दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो इसमें कारगर हो सकती हैं, जैसे कि आप अपने जो आपके हिप के मसल्स हैं उनको स्क्वीज़ करें और छोड़ें, स्क्वीज़ करें और छोड़ें। इस वाले प्रोसेस को आप बैठे हुए या फिर खड़े होकर किसी भी पोजीशन में आप कर सकते हैं और दिन में इसको हर 3 से 4 घंटे बाद कुछ कुछ देर के लिए रिपीट करें। जब ये दर्द जो है किसी भी तरीके से ठीक नहीं होते तो कई बार आपको फिजियोथेरेपी भी लेनी होती है। फिजियोथेरेपी में हम लोग अल्ट्रासोनिक थेरेपी या फिर लेज़र थेरेपी का यूज़ करते हैं और साथ साथ में जो आपके साइड्स की मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी ऐसी प्रॉब्लम के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है मुझसे जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।